हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद राशिका। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द स्टोरी ऑफ द वाइज गूस। आज की इस वीडियो में मैं जो स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका टाइटल है द वाइज गूस, बुद्धिमान हंस। तो चलिए देखते हैं। वंस देयर वॉज अ डेंस फॉरेस्ट, एक बार एक घना जंगल था। देयर वॉज अ वेरी टॉल ट्री, वहाँ पर एक बहुत बड़ा ही पेड़ था, एक बहुत बड़ा पेड़ था। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज, यह पेड़ जो जंगली हंस थे उनके समूह का घर था। मतलब जो जो पक्षी होते हैं वो एक फ्लॉक में ही रहते हैं ऑब्वियसली, तो एक ऐसे ही हंसों का समूह था जो कि इस पेड़ को अपना घर मानता था। वन ऑफ देम वॉज अ वाइल्ड ओल्ड बर्ड, उनमें से एक बूढ़ा और बुद्धिमान पक्षी था। वन डे द वाइज ओल्ड गूज नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर, एक दिन उस बुद्धिमान और बूढ़े हंस ने एक छोटी सी बेल को नोटिस किया। क्रीपर होती है बेल, लताएं जिन्हें कहते हैं, तो उसने नोटिस किया। इट वॉज ग्रोइंग एट द फूट ऑफ द ट्री, जो कि पेड़ की जड़ में उपज रही थी या ग्रो कर रही थी। डू यू सी दैट क्रीपिंग प्लांट, ही सेड दैट सेड टू अदर्स, तो उसके जो साथी थे उसने उनसे पूछा कि क्या तुमने ये जो क्रीपिंग प्लांट है इसको नोटिस किया है, देखा है? उसने उनसे कहा कि क्या तुमने ये जो क्रीपिंग प्लांट है इसे देखा है? यू मस्ट डिस्ट्रॉय इट, और उसने उनसे कहा कि इसे तुम्हें नष्ट कर देना चाहिए। अब इतनी बात सुनने के बाद उन्होंने क्या आंसर दिया? वाई मस्ट बी डिस्ट्रॉय इट, क्यों हमें इसे क्यों नष्ट कर देना चाहिए? Ask the geese in surprise, उन्होंने आश्चर्यचकित होकर के ये पूछा। It is so small, it can do us no harm, ये बहुत छोटा है और ये हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं पहुंचा सकता। तो उसने कहा, My friends, said the wise old bird, बूढ़े पक्षी ने कहा, बुद्धिमान और बूढ़े पक्षी ने कहा, My friends, मेरे दोस्तों, that little creeper will soon grow, ये जो छोटा क्रीपर है यह बहुत जल्द ही ग्रो करेगा, बड़ा हो जाएगा। इट विल क्लाइम अप एंड अप ऑन आवर ट्री, और ये ऊपर चढ़ता आएगा और हमारे पेड़ पर चढ़ जाएगा। वन डे इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग, और एक दिन ये इतना मजबूत हो जाएगा और मोटा हो जाएगा। देन व्हाट, आस्क द गीज, तो क्या होगा अगर ये बड़ा हो भी जाता है, मजबूत हो जाता है, पेड़ पर फैल जाता है, तो क्या होगा? उन्होंने कहा, तो क्या होगा? तो एनी हंटर वुड क्लाइंब अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ दिस क्रीपर एंड किल अस ऑल, रिप्लाइड द ओल्ड वन, उस बूढ़े ने कहा, उस बूढ़े हंस ने कहा कि कोई भी शिकारी आएगा और इसकी सहायता से, क्योंकि ये जो थिक एंड स्ट्रोंग होगा, ये मोटा और मजबूत बन जाएगा, तो ये एज अ रोप काम करेगा, जिस तरह से एक रस्सी होती है उसकी तरह से ये काम करेगा, और इसकी मदद से कोई भी शिकारी आएगा और इस पेड़ पर चढ़ जाएगा और हम सबको मार डालेगा। उसने ऐसा उनको उत्तर दिया। वेल देयर इज नो हरी, उसने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन इसकी कोई जल्दी नहीं है। द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, ये जो क्रीपर है वो बहुत छोटा है। इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, इसे अभी इसको डिस्ट्रॉय करना, इसको नष्ट करना बहुत ही उसकी बात हो जाएगी, दुर्भाग्य की बात रहेगी, और ये इसको अभी नष्ट करने की कोई जल्दी नहीं है, सेड द गीज, उसके जो साथी थे उन्होंने कहा। दे डिड नॉट पे हीड टू द एडवाइस, उन्होंने उस एडवाइस पर कोई ध्यान नहीं दिया। द क्रीपर ग्रो स्ट्रॉन्गर डे बाई डे, तो वो
जो क्रीपर थी वो डे बाय डे स्ट्रॉन्गर होती गई और ग्रो करती गई। वन मॉर्निंग अ हंटर केम टू दैट ट्री। एक सुबह एक शिकारी वहाँ आया। द क्रीपर हेल्प्ड हिम टू क्लाइम टू द ट्री टॉप, और उसने उसकी पूरी हेल्प की पेड़ के बिल्कुल ऊपर तक पहुँचने में। जब वो आया तो उसने एक रस्सी की तरह उसको सहायता की, जिसको पकड़ करके वो आराम से ट्री टॉप पर पहुंच गया, यानी पेड़ के शिखर पर पहुंच गया। देयर ही स्प्रेड हिज नेट एंड वेंट अवे। वहां पर उसने अपना जो नेट यानी वो जो जाल लेकर आया था उसको फैलाया और वो चला गया। द गीज रिटर्न्ड होम इन द इवनिंग। तो जो हंस थे, जैसे कि वो शाम को आते थे उस पेड़ पर, तो वो अपने घर वापस आए शाम को। दे वर कॉट इन द नेट। वे सभी उसमें फंस गए, नेट में फंस गए। दे स्ट्रगल हार्ड टू लेट फ्री बट ऑल इन वेन। उन्होंने उससे निकलने की बहुत कोशिश की कि वो खुद को फ्री कर लें, लेकिन सब व्यर्थ थी। दे क्राइड फॉर हेल्प। अब वे सहायता के लिए चिल्लाने लगे। वी वर फूलिश वेप्ट द वर्ड्स। वी आर सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू। नाउ पार्डन अस एंड सेव अवर लाइव्स। तो अब वो कहते हैं कि हम मूर्ख थे। रोते हुए उन्होंने कहा कि हम मूर्ख थे, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी, हमें माफ कर दो। उसके लिए हम शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दो, अब हम हमारी लाइफ को बचा लो। द वाइज ओल्ड बर्ड गेव अ वेरी गुड सजेशन। तो जो बूढ़ा पक्षी था उसने उनको बहुत ही अच्छा सजेशन दिया। क्या सजेशन दिया देखते हैं। उसने कहा, वेन हंटर विल कम इन द मॉर्निंग, यू ऑल शुड प्रिटेंड टू बी डेड। उसने कहा कि जब सुबह को शिकारी आएगा तो तुम सबको ऐसे ऐसी नकल करनी है कि जैसे तुम सब मर गए हो। तुमको बिल्कुल ऐसे हो जाना है, उस तरह से रहना है कि जैसे तुम मर चुके हो। जस्ट लाइक क्वाइट एंड स्टिल, बिल्कुल शांत लेट जाना, बिल्कुल शांत हो जाना, ऐसी एक्टिंग करना जैसे कि तुम मर गए हो। द हंटर विल थ्रो अस डाउन ऑन द ग्राउंड टू कलेक्ट आफ्टर वाइल। तो जैसे ही वो शिकारी आएगा और फिर यहाँ देखेगा तो वो जमीन पर फेंकेगा इकट्ठा करने के लिए कि तो मरे हुए हैं, अब इनका क्या होगा। वेन द लास्ट वर्ड विल बी थ्रोन डाउन, ऑल मस्ट राइज एंड फ्लाई अवे। और जब वो लास्ट वर्ड जो रह जाएगा उसको जैसे ही जमीन पर फेंकेगा, सभी लोग एक साथ उठ जाना और उड़ जाना। द हंटर क्लाइम टू द ट्री टॉप इन द मॉर्निंग। अब ये दूसरे दिन मॉर्निंग की बात है। उस दिन तो उन्होंने उस जो बूढ़ा हंस था बुद्धिमान, उसने उनको ये ट्रिक बता दी कि तुम्हें क्या करना है। तो दूसरे दिन जब शिकारी आता है वो पेड़ पर चढ़ता है। ही फाउंड ऑल द बर्ड्स एज गुड एज डेड। तो उसने देखा कि सभी जो पक्षी हैं वो ऐसे हो रहे हैं जैसे कि वो मर गए हो। ही थ्रू देम डाउन ऑन द ग्राउंड। वह उसने उनको जमीन पर फेंक दिया। When the last one touched the ground, all of a sudden all came to life and flew away. और जैसे ही जो सबसे अंतिम पक्षी था उसने जमीन को छुआ, सभी अचानक से जागे और उड़ गए। The hunter was surprised at the trick played by the birds. और शिकारी सरप्राइज हो गया, आश्चर्यचकित होकर के देखता रह गया कि उसको पक्षियों ने उसके साथ कौन सा गेम खेल दिया कि सभी जिंदा थे और सबने ऐसे दिखाया कि जैसे मर चुके हैं और मैंने उनको फेंक दिया नीचे और वो तो उड़ गए। तो ये जो स्टोरी है इससे हमें क्या सीख मिलती है कि
जो बड़े लोग होते हैं वो जो भी बोलते हैं उनकी जो बातें होती हैं वो कहीं ना कहीं सही होती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये स्टोरी क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।